हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज के वीडियो में हम बात करेंगे गैस्ट्रोफिट 200 mg SR टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट एक प्रोजेस्टेरोन फीमेल हार्मोन है जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। सो गाइज, आज के वीडियो में हम जानेंगे ये टैबलेट को किन किन बीमारियों में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, ये टैबलेट फीमेल के लिए क्यों ज़रूरी होता है, साथ ही लेने का सही तरीका क्या है, इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, कंप्लीट जानकारी होने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के अपडेट आपके पास पहुंच रहे। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो ये टैबलेट जो है एक स्ट्रिप में आता है 10 टैबलेट। एक स्ट्रिप का प्राइस है लगभग 400 रुपीज़। ये आपको नज़दीकी कोई भी मेडिकल स्टोर में ईजिली मिल जाएगी। प्राइस बात करें कंपोजिशन की, तो इस टैबलेट में प्रोजेस्टेरोन 200 mg पाया जाता है। प्रोजेस्टेरोन एक फीमेल हार्मोन है, जैसे कि मैंने बताया प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है प्रेगनेंसी के दौरान रिक्वायरमेंट पड़ती है बॉडी में। ये फीमेल में पहले से होता है, लेकिन किसी फीमेल में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है, लेवल कम हो जाता है, तब सिंथेटिक हार्मोन को लिया जाता है। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी किसी फीमेल में हो जाए तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या हो जाती है, बच्चा को कंसीव करने में दिक्कत आती है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाता है, टाइम पर पीरियड्स नहीं आते हैं, या फिर कभी कभी पीरियड्स स्टॉप भी हो जाता है, 2-3 महीने तक जो है पीरियड्स नहीं आता है, या फिर पीरियड्स आता भी है तो बहुत ज़्यादा दर्द रहता है पेट में, हैवी ब्लीडिंग की समस्या रहती है। तो गाइज, ये टैबलेट जो है पीरियड्स को रेगुलर करता है, साथ ही यूट्रस की लेयर को मोटा होने से रोकता है। इसके अलावा ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड इलाज में भी हेल्प करता है जो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होते हैं। तो बात करें इसके डोज की, तो गाइज इसका डोज जो है पेशेंट की कंडीशन को देखते डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसकी नॉर्मल डोज जो होती है एक टैबलेट रात को खाना खाने के बाद लिया जाता है। इसको आपको तब तक लेना होता है जब तक आपको डॉक्टर द्वारा बताया गया है। तो बात करें इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट की, तो पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी आ सकती है, सर में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, कब्ज की समस्या हो सकती है। तो गाइस, ये साइड इफ़ेक्ट जो हर किसी को नहीं होता है, फिर भी आपको साइड इफ़ेक्ट होता है, तो ये सब साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर इसके अलावा और भी कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वजह से कुछ हेल्प मिली हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।